इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक नई रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिंगर रोल बनाने। भिगोया हुआ चने की दाल लिया है, इसे मैं एक मिक्सी की जार में पैक कर रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन, हरी मिर्च, हरी धनिया, थोड़ा पानी डालकर इसे ग्राइंड करें। चने की दाल ग्राइंड हो गई है। इसे एक बाउल में रख के एक पैन को रख दिया है गर्म होने के लिए। एक चम्मच सरसों का तेल डालें, जीरा, ग्राइंड की हुई चने की दाल, और इसका सारा पानी सुखा ले। इसे एक बाउल में रख के एक कटोरी मैदा लिया है, इसे मैं एक बाउल में रख रही हूँ। एक चम्मच रिफाइंड डाले, थोड़ी सी नमक, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसका डो तैयार करें। इसे कुछ देर सेट होने के लिए साइड में रखें ताकि यह सेट हो जाए, और इसे अच्छी तरह से गूंथ लें। इसके छोटे छोटे लोई बनाएं, इस तरह से कटोरी बनाएं, और ग्राइंड किए हुए चने की दाल को इसके अंदर फिल करें। इस तरह से सील कर ले और इस तरह से रोल करें और इस तरह से रोल बना ले। एक पैन में रिफाइंड डालकर रख दिया है गर्म होने के लिए, और इसे हल्का गर्म करें। गैस की आंच बिल्कुल धीमी रखें, रिफाइंड को हल्का गर्म करें और इसे उंगली डालकर इसे टच करें, हल्का सुसुम रहे तभी आप इसमें रोल डालें। एक एक करके रोल को डालें। स्टार्टिंग में गैस की आंच बिल्कुल धीमी रखें, फिर उसके बाद गैस की आंच थोड़ी सी तेज करें। रोल डालने के बाद गैस की आंच मीडियम कर दें और इसे इस तरह से चलाते रहें और इसे ब्राउन होने तक फ्राई करें और इसे एक प्लेट में रखें। ये हमारे फिंगर रोल बनकर तैयार है। इसे खट्टी या मीठी चटनी के साथ सर्व करें।